हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मेसी की जानकारी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे थ्रोम्बोकोक ऑइंटमेंट के बारे में। तो इसमें हिपेरिन और बेंजिल निकोटिनेट होता है। इसमें जो हिपेरिन होता है वह ब्लड क्लॉट को अब्जॉर्ब करने का कार्य करता है, उसको नष्ट करने का काम करता है। और जो बेंजिल निकोटिनेट होता है यह एक वैसोडायलेटर होता है, यानी कि यह वैसोडायलेशन करता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस थ्रोम्बोकोक ऑइंटमेंट के यूजेस के बारे में। तो यह ऑइंटमेंट उन बीमारी में यूज किया जाता है जहां पर आपके स्किन के नीचे खून का थक्का जमता है, ब्लड कोगुलेशन होता है। इसे थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में यूज करते हैं। सुपरफेशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में यूज किया जाता है। अगर किसी पेशेंट को इंजेक्शन लगाने से थक्का जम गया है या सूजन आ गई है तो उसमें भी इस ऑइंटमेंट का यूज किया जाता है। तो कुल मिला के किसी भी प्रकार के ब्लड क्लॉट को नष्ट करने के लिए, ब्लड क्लॉट को अब्जॉर्ब करने के लिए इस थ्रोम्बोकोक ऑइंटमेंट का यूज डॉक्टर द्वारा किया जाता है। कुछ डॉक्टर पाइल्स के लिए भी इस थ्रोम्बोकोक ऑइंटमेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें कि इसका इस्तेमाल सिर्फ एक्सटर्नल यूज के लिए किया जाता है। दोस्तों, अगर इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो इसके ज्यादा कोई साइड इफेक्ट नहीं देखे जाते। हो सकता है आपको ड्राइनेस महसूस हो सकता है, इसके अलावा खुजली हो सकती है, स्किन रेडनेस हो सकती है। वैसे तो यह साइड इफेक्ट बहुत कम व्यक्ति में देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अगर इसके यूज करने के तरीके के बारे में जाने तो बिल्कुल कम मात्रा में इस ऑइंटमेंट को लेना है और जहां पर लगाना है वहां चारों तरफ आपको थिन लेयर में लगाना है। दोस्तों, इसको दिन में 2 टाइम सुबह शाम लगाना होता है। तो दोस्तों, यह थी जानकारी थ्रोम्बोकोक ऑइंटमेंट के बारे में। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।